देश में कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन सुकून की बात यह है कि रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में डेथ रेट भी काफी कम है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर पहली बार 40% के पार हो गई है। इससे पहले मंगलवार को रिकवरी रेट 38.73 था, जो गुरुवार को बढ़कर 40.32% हो गया। यानी बीते 48 घंटे में रिकवरी रेट में कुल 1.59% का इजाफा दर्ज किया गया। मंगलवार से बुधवार के बीच भारत में कोरोना वायरस के 5,609 नए केस सामने आए और मौजूदा समय में लगभग 65,000 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 45,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस महामारी ने देश में अब तक करीब 3,500 लोगों की जान ले ली है। कोरोना संक्रमण केस के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान अग्रणी राज्य हैं। अकेले महाराष्ट्र में अभी तक करीब 40,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं सरकार का कहना है कि भारत भले ही दुनिया के 15 प्रभावित देशों में शामिल है, लेकिन यहाँ रिकवरी रेट काफी अच्छा है, डेथ रेट भी कम है। दुनिया के 15 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों की कुल आबादी 142 करोड़ है, जबकि भारत की अकेले 137 करोड़ आबादी है। इतनी ज्यादा आबादी होने के बाद भी भारत की तुलना में उन 15 देशों में भारत से 34 गुना ज्यादा मामले और 83 गुना ज्यादा मौतें हुई। भारत में प्रति 1,00,000 आबादी पर 0.2% लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन के ऐलान के वक्त रिकवरी रेट 7.1% था, जबकि दूसरे फेज में ये 11.2% तक पहुंचा, तीसरे फेज में 24.3% और अब चौथे फेज में 40.32% तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार।